हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 11 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है। गाइस, आज की रीडिंग है कि आपको देखने के लिए कौन सबसे ज़्यादा तड़पता है। ये रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से है। गाइस, मेल या फीमेल आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं और रीडिंग के द्वारा हम ये आपको जानकारी देंगे कि आपके लाइफ में वो कौन है जो आपके लिए बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको देखने के लिए पाने के लिए तड़प रहा है और वो चाह रहा है कि आप उनके लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाएं। गाइस, टू ऑफ सोर्स, जजमेंट, द मजिशियन। यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस कि कोई जो फीमेल पर्सन है वो मेल पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हैं। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो कहीं बाहर चले गए हों, हो सकता है कहीं जॉब पे चले गए हों, या हो सकता है विदेश में चले गए हों जॉब के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपके जो मेल पर्सन है उसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा कार्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बहुत दुविधा में है, वो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है। उनको अपने आँख के आगे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनको कोई बांध के रखा है, कोई ऐसी चीज़ से उनको दबा दिया गया है कि उनको दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो सोच नहीं समझ पा रही हैं कि ये सब मेरे लाइफ में कैसा दुख मिल रहा है, कैसा दर्द मिल रहा है, कैसा ये पेन है, ये प्यार का पेन है कि दर्द का है, क्या है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत स्टक स्थिति में है आपकी जो फीमेल पर्सन है। हो सकता है आपको आपके जाने के बाद उनको बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं और बहुत ज़्यादा तड़प भी रही हैं गाइज़ यहाँ पर। और उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह मैं अपने पर्सन को अपने पास बुलाऊं, अपने साथ लेकर आऊं। और यहाँ पर आपकी भावनाएं बहुत ही प्यारी निकल कर आ रही हैं गाइस। आप रियल में एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा दोनों पर्सन प्यार करते हैं, मेल फीमेल दोनों, और दोनों की यहाँ पे तड़प दिख रही है। यहाँ आप जो बाहर हैं वो भी आप एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं और आपकी फीमेल पर्सन भी जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा तड़पने से ज़्यादा वो दुविधा में है कि मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, मेरे साथ कब आएगा। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप दोनों को दूरियाँ भले हैं यहाँ पर, लेकिन प्यार कम नहीं है। यहाँ पर आप दोनों का जो प्यार है, आपको एंजल का भी ब्लेस प्राप्त है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक आने वाले समय में आपका जो दर्द है, जो तड़प है वो कम होगा और आपकी एक बहुत ही प्यारी और स्वीट फैमिली बनने वाली है यहाँ पे, जिसमें देख रहे हैं यहाँ पे मेल फीमेल और एक प्यारा सा बच्चा। यानी आने वाले इन फ्यूचर में आपकी बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी और बहुत छोटी सी फैमिली होगी, जिससे आप यहाँ पर आपके देखिए एक बहुत ही प्यारी फैमिली इन फ्यूचर बनने वाली है गाइस। तो ये तड़प जो है आपका, जो ये प्यार है, जो दर्द है, आप अपने जो पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। आपकी भावनाएं जो हैं वो आपके काबू में नहीं हैं, आपके बस में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको एंजल का भी ब्लेस प्राप्त है और आपकी आने वाली बहुत ही प्यारी और छोटी सी स्वीट सी फैमिली होगी, जिसमें आप आपके लवर, प्रेमी या जीवन साथी और एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान भी आएगा यहाँ पे। और बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अपनी हैप्पी वाली लाइफ इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसे मेल पर्सन है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं हर चीज़ करने के लिए। उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मजिशियन की एनर्जी में है। उनके पास सब कुछ है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो किसी फीमेल पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा
परेशान हैं, उनको बहुत याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प है गाइज। यहाँ पर यानी फीमेल पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपकी हर एक अदा, हर एक दीवानापन, हर एक बातों को याद कर करके वो बहुत रोते हैं गाइज। यहाँ पे इस कार्ड से देख सकते हैं आप, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो मजिशियन की एनर्जी में होकर भी वो अपने तड़प को, दुख को, पीड़ा को कम नहीं कर पाते, अपनी बेचैनी को कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपको दिलो जान से चाहते हैं गाइज। यहाँ पे कोई ये जर्नल रीडिंग होती है गाइज, आपको जो रेजोनेट करता है वो रख सकते हैं। यहाँ पर जो फीमेल पर्सन के लिए आप जो बहुत तड़प रहे हैं, दर्द में हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है, ये सब चीज़ें जो हैं एक वही इंसान आपको याद कर सकता है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जो आपको बहुत दिल के करीब हो, जो आपको बहुत बहुत मिस करता हो, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। और आपकी जो स्थिति है, बोलते हैं ना जल बिन मछली के तरह हुआ है, यानी आप उस प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार की मछली को जल से अलग कर दिया जाता है, ठीक आपके ही प्यार में वो मछली की तरह बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, परेशान हैं। और ये परेशानी आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है गाइस, ये दूरियाँ कुछ ही समय के लिए हैं, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए है, फिर बाद में आप दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का कार्ड आया है, तो आपको आपके दूरियाँ जो हैं कम होती हुई दिखाई देती हैं, और आपका जो तड़प है, बेचैनी है, प्यार है, आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, और आपका जो भी अंदर से अपने प्यार को लेकर दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है, तड़प है, वो सब कम होती चली जाएगी, और आपके पार्टनर आपके पास जल्दी से जल्दी वापस आने वाले हैं। यही आज की रीडिंग थी गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।